हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और कई सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि भाई अगर हम सैमसंग मोबाइल का जो फ्लैश फाइल होता है और मान के चलिए कि वो सिंगल फ्लैश फाइल होता है, उस सिंगल फ्लैश फाइल को अगर हम चार फाइल में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सैमसंग का फ्लैश फाइल अगर आप कोई डाउनलोड करते हैं उसमें आपको सिंगल फाइल डाउनलोड होता है, उसे अगर आप चार फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे कि मान के चलिए CSV फाइल, PDF फाइल, मॉडम फाइल, बूटलोडर फाइल, ठीक है, ये चार फाइल अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस सिंगल फाइल से अगर आप चार फाइल को निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक कर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और इस बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंगल फ्लैश फाइल को चार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और ये सॉफ्टवेयर आप यहाँ सामने देख रहे हैं डेस्कटॉप पे हमारे, और ये सॉफ्टवेयर की लिंक भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो कंप्रेसर फाइल है इसे हमें एक्सट्रायर करना होगा। तो चलिए इस फाइल को हम एक्सट्रायर करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि इस फाइल को जैसे हमने एक्सट्रायर किया तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से एक फोल्डर निकल करके आया है और इस फोल्डर के अंदर में जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो चलिए इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि इस फोल्डर के अंदर में जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं सैमसंग फुल फर्मवेयर मेकर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को हमें जो है ओपन करना होगा। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं और इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उस वन फाइल को जो है वन फ्लैश फाइल को फोर फाइल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो कन्वर्ट करेंगे फ्लैश फाइल को, तो सिंगल फ्लैश फाइल को कन्वर्ट करेंगे और फोर फाइल में, ठीक है, तो उसकी चारों फाइल जो आपके इस सॉफ्टवेयर के फोल्डर में ही आकर के जमा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है मैं उस फ्लैश फाइल को वन फाइल को सिंगल फाइल को चार फाइल में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ओपन पे हमने क्लिक किया, ओपन में क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर के जिस ड्राइव में भी हमारा फ्लैश फाइल होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास ये सैमसंग J200G का फ्लैश फाइल है, सिंगल फाइल है ये, और ये फाइल अगर आपका कंप्रेसर फाइल होगा तो इसे आप इस फ्लैश फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करके इसे इसका जो है नॉर्मली आप इसे कर लीजिएगा, तभी आप इसमें आपका जो इसमें शो करेगा, ठीक है। तो इस फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, सिंगल फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं अनपैक, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको इसमें और छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक दो मिनट का थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इन सब में जो है चेक लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सब में ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे चेक लगेगा, जब तक चेक इसमें नहीं लगेगा अपने आप ऑटोमेटिकली तब तक हमें इस सॉफ्टवेयर को छेड़खानी नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे सारे पे जो यहाँ पे चेक लग चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है यहाँ पे टिक लग चुका है सब में, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूंगा अब जो हम यहाँ पे इस फाइल को कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंगल फाइल जो चार फाइल में जो कन्वर्ट होने वाली है तो वो कन्वर्ट होकर के वो फाइल जो हमारे इसी सॉफ्टवेयर के ही फोल्डर में यहाँ करके जमा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में मैक पे एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद अब इस सॉफ्टवेयर को आपको दोबारा छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी फोल्डर के अंदर में यहाँ पे देखिए बूटलोडर फाइल बन चुका है, उसके बाद नीचे में आप यहाँ देख रहे हैं PDF फाइल बन चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पे चार फाइल बनेगी, ठीक है, और ये चारों फाइल का अभी जो आप जो कलर देख रहे हैं आप ये कंप्रेसर फाइल की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है और ये फाइल जब तक ग्रीन कलर में ऑटोमेटिकली ना हो जाए तब तक इस सॉफ्टवेयर को छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसने इस सॉफ्टवेयर को आपने छेड़खानी किया और ये फाइल कंप्लीट सही तरीके से अगर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो जब आप इसे ओडिन टूल में सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे एक इरर का मैसेज आएगा। और दोस्तों मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि ओडिन टूल में इस सॉफ्टवेयर को जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट किया हुआ सॉफ्टवेयर ओडिन टूल में जब हम उसे वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे सक्सेसफुली का मैसेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो सॉफ्टवेयर जब हम वहां पे ओडिन टूल में सिलेक्ट करेंगे CSV में या PDF में किसी में भी तो वहां पे अगर सक्सेसफुली का अगर मैसेज नहीं आता है तो कुछ तरह का अगर वहां पे इरर लिखता है या मिसिंग लिखता है तो
हम ये समझ लेंगे कि हमने जो ये फाइल को जो कन्वर्ट किया है, ये फाइल हमारा सही तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो चलिए जब तक ये जो फाइल कन्वर्ट हो रही है तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये चारों फाइल जो है ग्रीन कलर में आ चुका है और ये हमारा फाइल जो सक्सेसफुली जो कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए अब इस फाइल को हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये फाइल जो कन्वर्ट हुआ है तो ये फाइल सही तरीके से कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो चलिए हम अपने ओडिन टूल को ओपन करके आपको दिखाते हैं ये फाइल जो सही तरीके से कन्वर्ट हो पाया है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम CSV फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने जो कन्वर्ट किया था डेस्कटॉप पर ये फाइल, ये चारों फाइल यहाँ पे दिख रहा है और चलिए CSV फाइल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सक्सेसफुली जो यहाँ पे हमारा जो फ्लैश फाइल सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी एरर का मैसेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा फ्लैश फाइल जो सही तरीके से कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।